हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल झा और यूट्यूब के इस हिंदी वर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप गूगल पे अपनी फ़ोटो और इमेज को अपलोड कैसे करते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि हम गूगल पे अपनी फ़ोटो और इमेज को कैसे अपलोड करते हैं तो फिर आप हमारा वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिए। इसके पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब हमारा वीडियो प्ले होता है तो इस तरीके से सब्सक्राइब बटन आपके सामने आता है। आपको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, या फिर जब हमारा वीडियो प्ले होता है या फिर तो ये देखिए कॉर्नर में इस तरीके से सब्सक्राइब बटन आपके पास आता है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करेंगे अगर आप तो हमारा हिंदी वर्ड जो है यहाँ से सब्सक्राइब हमारा चैनल हो जाएगा। और आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें अपना CSE इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि संबंधित वीडियो को यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो आपको जल्दी से बिना समय गंवाए हमारे हिंदी वर्ड चैनल को जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं कि हम गूगल पे अपनी इमेज और फोटो को अपलोड करते कैसे हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सच तो ये है कि हम गूगल पे अपनी फ़ोटो को अपलोड कर ही नहीं सकते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गूगल पे हम अपनी फ़ोटो अपलोड तो कर ही नहीं सकते, फिर ये फ़ोटो गूगल सर्च इंजन में आती कहाँ से है। जब भी हम कोई इमेज गूगल सर्च इमेज सर्च में अपनी किसी भी फ़ोटो को सर्च करते हैं तो वो कैसे आ जाती है, ठीक है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो फ़ोटो कैसे आती हैं गूगल सर्च इंजन में। तो देखिए, जैसे कि मैंने एक नया टैब ओपन करा तो ये हमने सर्च इंजन खोला और इसमें हम इमेज सर्च पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इमेज, यहाँ के इमेज का साइन बन के आ रहा है। हमने इमेज पे क्लिक करा और जैसे यहाँ से हम कोई भी इमेज को यहाँ पे डालेंगे इमेज का नाम, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया टेम्पल, मैंने यहाँ पे टेम्पल लिख के सर्च करा तो ये टेम्पल की इमेज खुल के यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने टेम्पल सर्च करा और यहाँ पे टेम्पल्स की फ़ोटो जो है यहाँ पे आ गई। तो ये जो फ़ोटो आई हैं ये गूगल से नहीं आई हैं, इन फ़ोटो को किसी ने गूगल पे अपलोड नहीं कराया है, ठीक है। ये फ़ोटो किसी भी वेबसाइट से आ सकती हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आपका कोई ब्लॉग है तो ये फ़ोटो वहाँ से उठ के आई होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पे अपना माउस रखा, ये देखिए यहाँ पे उसके पास एड्रेस आ रहा है। मैं वो आपको एड्रेस दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये एड्रेस आ रहा है photoblogs.com, ठीक है। तो ये जो फ़ोटो डली हुई है इस वेबसाइट पे डली हुई है और इस वेबसाइट से ये फ़ोटो यहाँ पे जो हमें शो कर रही है। तो ऐसा मैं आपको और भी फ़ोटो दिखाता हूँ जो भी जो यहाँ से इसकी नहीं है, गूगल की नहीं है। ये देखिए ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है ये इस वेबसाइट की इमेज है, ठीक है। इस वेबसाइट से यहाँ पे आई है। तो आपको अपनी वेबसाइट पे, अगर आप अपनी वेबसाइट पे ठीक से वहाँ पे डालते हैं टेम्पल कि भाई ये टेम्पल है, ये टेम्पल है, और आप अपनी ब्लॉग में या वेबसाइट में अपलोड करते हैं तो वो सीधा वहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। और भी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं और भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इस वेबसाइट से आया है, ठीक है। तो ये सारा डाटा किसी भी वेबसाइट पे होता है और उस वेबसाइट को हम वेबमास्टर टूल के जरिए यहाँ पे गूगल पे उसे पहले से उसको फीड करा देते हैं, उसको यहाँ पे पहले से डाटा को यहाँ पे अपलोड करा देते हैं वेबमास्टर टूल के जरिए। तो जब कोई गूगल में सर्च करता है हमारे उस कीवर्ड को तो वो हमारे सामने शो हो जाता है। अगर हम टेम्पल सर्च करते हैं या कोई भी नाम हम डालते हैं गूगल सर्च में तो वो नाम हम यहाँ से पहले से उठ के आ जाता है, ठीक है। तो गूगल को ये पहले से, गूगल के पास उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, जी हाँ, गूगल उसे जो है पहले से सर्च करके रखता है, तभी तो वो आपके इतने जल्दी जो है आपको सर्च करा के दे देता है, और ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं और भी आपको जैसे मैं अपनी फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने वो फ़ोटो अपनी अपनी YouTube पे डाली थी और वो मेरी फ़ोटो यहाँ पे दिखा रही हैं। तो मैं तो अपने पहले अपने YouTube चैनल पे चलता हूँ और मैं YouTube पे वो आपको दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे डाले थे वीडियोज़, उनके थंबनेल मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे मैंने अपना वीडियो डाल के रखा है अपना CSE के नाम से, ये यहाँ पे आप इसका थंबनेल देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसका थंबनेल है और यही थंबनेल आप जब सर्च करेंगे गूगल इमेज सर्च में तो ये आपको वहाँ पे भी आपको दिखाई
देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, और भी मेरी एक और है वीडियो, उसका थंबनेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका भी ये देखिए CSC रजिस्ट्रेशन, इसका भी यहाँ पे मैंने ये वीडियो डाल के रखा है। लेकिन अभी आप तो यहाँ YouTube पे देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको जो है गूगल सर्च, इमेज सर्च में दिखा देता हूँ। तो चलिए हम गूगल सर्च में चलते हैं, इमेज में। यहाँ पे हमने फिर से इमेज खोला और यहाँ पे हम डालेंगे अपना CSC, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं अपना CSC, क्लिक करते हैं इमेज सर्च पे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए हमने इमेज में सर्च करा अपना CSC, और अपना CSC की सारी जो है फोटोज यहाँ पे आ गई हैं। और ये हमारे चैनल का भी फोटो जो मैंने अभी आपको अपने YouTube चैनल में दिखाया था, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, और नीचे इसका एड्रेस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं YouTube, ये यहाँ पे इसका एड्रेस दिया हुआ है कि ये फोटो जो है YouTube से आया है, ठीक है। तो यहाँ से और भी मैं एक और मैंने जो आपको फोटो दिखाया था वो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो भी फोटो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए मैंने आपको ये फोटो भी दिखाया था, जो कि यहाँ पे ये फोटो भी दिखाई दे रहा है अपना CSC के नाम से। तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट और ब्लॉग पे अगर ठीक है, ठीक से नाम के साथ अगर वहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड करते हैं किसी भी वेबसाइट या किसी भी ब्लॉग पे, तो वो आपका फोटो जो है यहाँ पे गूगल सर्च इंजन में आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।